22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। तदनुसार विदर्भ प्रांत के दो पदाधिकारी, विदर्भ प्रांत के संयुक्त मंत्री अमोल अधारे और यवतमाल विभाग के मंत्री राम लोखंड की अध्यक्षता में अयोध्या जा रहे हैं। 27 नवंबर को नागपुर के प्रसिद्ध पुतारेश्वर राम मंदिर में अयोध्या से लाए गए अक्षत की विधिवत पूजा की जाएगी और विदर्भ के सभी जिला प्रमुखों को दी जाएगी। 1000 गांव में 15 लाख घरों तक संपर्क किया जाएगा और मंदिर का प्रसाद चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चूंकि हर किसी के लिए अयोध्या में मंदिर के समर्पण में जाना संभव नहीं है, इसलिए हर किसी को अपने गांव, शहर, बस्ती में मेरा गांव मेरी अयोध्या की अवधारणा के साथ मंदिर केंद्रित गतिविधियां करनी चाहिए, धार्मिक दान करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, मां भारत का वितरण करना चाहिए। जयप्रसाद ने स्थानीय मंदिर में मंदिर के लोकार्पण का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया और इसमें सभी विहिप मंत्री गोविंद शेंडी के लोगों से क्षेत्र को रंगोली, भगवा ध्वज और पटाखा से सजाकर उत्सव मनाने की अपील की। घर और शाम को अपने घर के सामने कम से कम 5 दीपक जलाए। प्रांत द्वारा जनवरी से 20 फरवरी तक मुंबई के 20 क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लाखों भक्त प्रतिदिन सुबह और शाम महाप्रसाद और ओम शिव शक्ति का लाभ उठाएंगे। नागपुर में सेवा मंडल इस दौरान भोजन, छाता और दैनिक आपूर्ति प्रदान करेगा। सभी राम भक्तों को इस पूरे प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहिए, ऐसी अपील की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद विदर्भ के अध्यक्ष राजेश्वर न्याल, विदर्भ प्रांत मंत्री प्रशांत तित्री, प्रांतीय संयुक्त मंत्री अमोल अंधारे, विहिप यवतमाल विभाग मंत्री राम लोखंडे, विदर्भ प्रांत प्रचार प्रमुख निरंजन रिसालदार, विहिप नागपुर महानगर मंत्री अमोल ठाकरे उपस्थित थे। प्रभु श्री रामाच्या विग्रहाची प्राण प्रतिष्ठा ही होणार आहे आणि त्याची सगळी तयारी आपली पूर्ण झालेली आहे। आणि काही कार्यक्रम त्याच्यामध्ये आखलेले आहेत, त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 5 तारखेला म्हणजे परवा अयोध्येमध्ये एक मोठा कार्यक्रम होणार आहे। त्या कार्यक्रमामध्ये पूर्ण देशभरातले जितके विश्वहिंदू परिषदेचे प्रांत आहेत त्या सगळ्या प्रांतांचे 2-2 प्रतिनिधी हे अयोध्येला पोहोचणार आहे। तो पुढचा जो कार्यक्रम आहे की ज्याच्यामध्ये सर्व गावांमध्ये आम्हाला अक्षता द्यायची आहे आमंत्रण देण्याकरता, तर त्या अक्षता तिथे राम जन्मभूमीमध्ये पूजित होऊन आणि प्रत्येक प्रांताला दिल्या जाणार आहेत आणि त्या अक्षता आपल्या नागपुरात येणार आहे। त्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की आम्ही मागच्या जो धन संकलन अभियान केला तर आम्ही जास्तीत जास्त गावामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला। पूर्ण गाव देशभरामध्ये आम्ही जवळपास 5 लाखाच्या जास्त गावांमध्ये आम्ही संपर्क केलेला आहे। आपल्या या विदर्भ प्रांतामध्ये 12,500 राऊंड फिगर गावं आहेत, त्यातले आम्ही 10,000 जास्त गावांमध्ये प्रत्यक्ष संपर्क करून धन संकलन केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।